सामानों के बहिष्कार करने की परंपरा गांधी युग से चले आ रही है। ऐसा ही तो खादी की शुरुआत हुई थी, जो कि आज के देश में एक ब्रांड बन गया है। देश के रूप में जब भी हमें किसी से नाराजगी होती है, हम उसके सामान का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। अंग्रेजों के वक्त में भी यही हुआ था और चीन के वक्त भी यही हुआ। जैसे ही चीन ने हमें बॉर्डर पर तंग करना शुरू किया, हमने उसका सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, पर केवल उन्हीं सामानों का जो ज़्यादा हाईलाइटेड थे और लोगों के नज़र में थे। इसी लपेटे में पबजी भी आ गया। पबजी के बैन होने के बाद पहले से बेरोजगार युवा और भी ज़्यादा बेरोजगार हो गए। चीन से बदला लेने की प्रैक्टिस हर रोज कोचिंग की में चलती थी, पर सरकार ने वो भी इनसे छीन ली। पिछले साल नवंबर में ही पबजी ने अनाउंस किया था कि हम वापस आएंगे और वह अपना यही वादा पूरा करते दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल अभी तक उन्होंने टाइम फाइनल नहीं किया है कि कब तक वो इंडिया के मार्केट में वापसी करेंगे। पिछले महीने उन्होंने ये जानकारी अपने YouTube चैनल से दी है कि इंडिया में पबजी को उतारना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट अगर किसी का लीक होता है तो वो जंगल में आग की तरह फैलता है। पिछले हफ्ते पबजी का एक बैनर लीक हुआ था, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया में पबजी का नाम बदलकर बैटल ग्राउंड रखा जाएगा। लीक हो गया तो गेम के डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ये गेम केवल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जो मल्टीप्लेयर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। डेट फिक्स तो अभी बताया नहीं है, पर कमिंग सून है। सितंबर में पबजी को इंडिया से बैन कर दिया गया था। ठीक ढंग से शायद इसे बैन नहीं किया गया था, इसीलिए बहुत लोगों के मोबाइल में अभी भी इसे खेला जा सकता है। बैटल ग्राउंड का न्यू लोगो लॉन्च कर दिया गया है और मोबाइल यूजर्स के लिए ये फ्री भी रहेगा। रिलीज डेट तो हमें पता नहीं है। इसके साथ ही हमें ये भी नहीं मालूम है कि सिर्फ उसका नाम चेंज किया गया है या इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर कुछ डेवलपमेंट भी किया गया है। गेमिंग यूजर्स के मामले में इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और यही वजह है कि कंपनी $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि डूबी हुई मार्केट को फिर से उठा सके। सेंसर टावर के डेटा के हिसाब से गेमिंग के मामले में इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, जहां एक क्वार्टर में 175 मिलियन डाउनलोड्स होते हैं। ये सब तो हो गई ज्ञान और जानकारी की बातें, पर 100 बात की एक बात ये है कि हाथ बांध कर बैठ जाइए और इंतजार करिए गेम लॉन्च होने का, क्योंकि सुनने में आया है कि कंपनी इसका प्री रजिस्ट्रेशन करने वाली है, तो कहीं आपके बिजी शेड्यूल में ये छूट ना जाए।